हेलो एवरीवन, माय नेम इज पुनित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग परफॉर्मा के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्टली टेल अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को इंक्लूड करते हैं। सो हम बेसिकली बात करते हैं कि हम कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होती है, वन इज डेबिट सेकेंड इज क्रेडिट। डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड क्रेडिट साइड लिखते हैं डायरेक्ट इनकम लिखते हैं। फर्स्टली अगर बात करें जो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो फॉर द ईयर एंडेड लिखना हमारे लिए जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, बिकॉज इट डिस्क्लोज द फुल अकाउंटिंग ईयर नॉट अ पर्टिकुलर टाइम। सो फर्स्ट आइटम की बात करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है, जो हमारा लास्ट टाइम का जो भी हमारा गुड्स होता है वो सेल आउट नहीं हुआ और नेक्स्ट ईयर के लिए वो हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। नेक्स्ट बात आती है परचेज की। परचेज क्या होता है, जो भी हम आइटम परचेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द रॉ मेटीरियल वो आता है हमारा परचेज में। थर्ड आता है हमारा, लेस करते हैं हम परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, सम टाइम जब हम परचेज करते हैं गुड्स को तो कुछ डिफेक्टिव पार्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, तो उन डिफेक्टिव पार्ट्स को हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वो आएगा हमारा परचेज रिटर्न में। नेक्स्ट आता है हमारा टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जब हम कोई भी गुड्स को बनाते हैं उस टाइम जो हमारा डायरेक्टली जो एक्सपेंस आता है उस गुड्स पर्टिकुलर गुड्स को बनाने के लिए वो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बात आती है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में हम इंक्लूड क्या, तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है टू वेजेस, जो हमने इम्प्लॉयज को पे की है उसको हम वेजेस बोलते हैं। टू वेजेस एंड सैलरी में भी वही आ जाता है, बट टू सैलरी एंड वेजेस हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ हम टू वेजेस एंड सैलरी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टू कैरेज। कैरेज का मतलब क्या हो जाता है, भाड़ा हो जाता है, जो भी हमें रॉ मेटीरियल को फैक्ट्री तक जो लाने की जो कॉस्ट होती है वो इसके अंदर आती है, कैरेज के अंदर। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या होता है, जैसे फैक्ट्री की लाइटिंग होगी, फ्यूल हो गया, गैस हो गई, तो जो भी हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है टू कैरेज इनवर्ड। जो कैरेज इनवर्ड होता है वो परचेज होता है, और जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो सेल के टाइम होता है। तो इसके अंदर सिर्फ हम टू कैरेज इनवर्ड को इंक्लूड करते हैं। टू कैरेज ऑन परचेज, जब परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम का जो हमारा कैरेज है वो इंक्लूड किया जाता है। टू गैस फ्यूल एंड पावर, टू फ्राइट एंड कैरेज, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वही सब है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, जब कोई भी पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए जो भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है उसको हम बोलते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। टू रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है, अगर मान लो हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं या हम किसी का जो पेटेंट कॉपीराइट जो भी नेम या फिर कोई सिंबल होता है उसको यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ पे कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं टू रॉयल्टी। टू इम्पोर्ट ड्यूटी, जैसे शिप से अगर कोई सामान आया तो उसके एट अ टाइम जो भी हमारी ड्यूटी लगी है, जो हमने पे किया है, उसको हम बोलते हैं टू इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये सब आइटम्स है जो कि इंक्लूड होती है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में। नाउ हम डिस्कशन करते हैं टू ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट होता है जब हम, अगर हमारे पास जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो ज्यादा हो जाता है और डेबिट साइड का बैलेंस कम हो जाता है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या बचता है, ग्रोस प्रॉफिट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रेडिट साइड ऑफ आर ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं सेल को। सेल क्या होता है, अगर मान लो कि हमने कोई भी चीज परचेज की, रॉ मेटीरियल परचेज किया, उससे हमने मैन्युफैक्चरिंग की और मैन्युफैक्चरिंग करके हम उस फिनिश गुड्स तैयार करते हैं इन सेलेबल फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाता है जितने भी हमने सेल किए गुड्स को, लेस करते हैं सेल्स रिटर्न। जो भी हमने सेल किया सम टाइम क्या हो जाता है, डिफेक्टिव गुड्स सेल हो जाती है तो वो जो हमें रिटर्न की जाती है वो किसमें आ जाता है, सेल्स रिटर्न में। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, सो नेक्स्ट आइटम है हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। जो हमारे पास गुड्स रिमेनिंग रह जाती है उसको हम इंक्लूड करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक में। सो अभी आपको एक एग्जांपल से करके दिखाती हूँ। जैसे टू ओपनिंग स्टॉक मान लो हमारे पास 100 यूनिट है एंड टू परचेज कितना किया 400, परचेज रिटर्न मान लो कि 100 की ये हम लेस करेंगे 300 हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हमारे पास 100 के है एंड सेल कितने की सेल की मान लो 500 की, इसमें से सेल रिटर्न कितने का किया 100 का, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 400 आपका। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 500,
ये इनको अगर टोटल करते हो तो कितना आता है हमारे पास 900, और इनको टोटल करते हो तो कितना आता है 3,4,5,500। रिमेनिंग आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर रह जाता है वो कितना रहेगा, सो यहाँ पे रिमेनिंग फिगर हमारे पास रह जाता है 400। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास डेबिट साइड अगर ज्यादा हो जाती है क्रेडिट साइड से, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर ये रह जाता है। ओके, तो ये था आज का हमारा पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे P&L अकाउंट को कैसे बनाते हैं और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। सो थैंक यू एवरीवन।